उत्तर प्रदेश में NHAI के सभी 78 टोल प्लाजा पर 1 जनवरी से टोल का भुगतान फास्टैग के माध्यम से ही होगा। NHAI के रीजनल ऑफिसर अब्दुल वासित ने बताया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक 1 जनवरी 2021 से नेशनल हाईवे पर पड़ने वाले सभी टोल प्लाजा पर भुगतान केवल फास्टैग के माध्यम से ही होगा। इसके लिए 6 नवंबर से ही अधिसूचना जारी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि जिन वाहन चालकों के पास फास्टैग नहीं है वह निर्धारित बैंक या पेटीएम से भी इसे खरीद सकते हैं। टोल प्लाजा पर पॉइंट ऑफ सेल से भी फास्टैग खरीदने और रिचार्ज की भी सुविधा होगी। ये पेटीएम, फोनपे समेत दूसरे कई प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। दरअसल डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार 1 जनवरी से सभी टोल प्लाजा पर कैश लेन देन को पूरी तरह से खत्म कर रही है। NHAI के परियोजना निदेशक NN गिरी के मुताबिक केंद्र सरकार 31 दिसंबर तक सभी टोल को 100% कैशलेस करना चाहती है। ऐसे में अगर वाहन मालिक ने अपनी गाड़ी पर फास्टैग नहीं लगवाया है तो हाईवे पर 1 जनवरी से असुविधा उसे हो सकती है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक फास्टैग ई कॉमर्स वेबसाइट Amazon, Flipkart, स्नैपडील और पेटीएम पर उपलब्ध है। इसके अलावा आप फास्टैग को बैंक और पेट्रोल पंप से भी खरीद सकते हैं। बैंक से फास्टैग खरीदते समय आप ध्यान रखें कि जिस बैंक में आपका खाता है उसी बैंक से आप फास्टैग खरीदें। टोल प्लाजा पर पॉइंट ऑफ सेल से भी फास्टैग खरीदने और रिचार्ज की भी सुविधा होगी। फास्टैग खरीदने के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी और अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा। वहीं आप फोटो आईडी के तौर पर आधार कार्ड और पासपोर्ट या पैन कार्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। NHAI के मुताबिक आप फास्टैग को किसी भी बैंक से 200 रुपए में खरीद सकते हैं। वहीं आप फास्टैग को कम से कम 100 रुपए से रिचार्ज करा सकते हैं। सरकार ने बैंक और पेमेंट वॉलेट को रिचार्ज कर अपनी ओर से कुछ अतिरिक्त चार्ज लगाने की छूट दी है। लखनऊ से नितिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट।